ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। आवाज तो आपने सुनी ही होगी। चलिए एक मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको। बरसात का मौसम आ गया है और बरसात के मौसम में तरह तरह के पकौड़े खाने का मन हम सभी का करता है। तो आज मैं आपको आलू के लच्छों से बनने वाले बहुत ही स्पेशल तरह के पकौड़े बनाने बताऊंगी, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो आलू लिए हैं। तो ये थोड़े से बड़े साइज के आलू हैं, और अगर आप मीडियम साइज के आलू लेते हैं तो आपको यहाँ पे तीन आलू लेने पड़ेंगे। और वजन से नापे तो ये आलू लगभग 350 ग्राम है। और अब हमें क्या करना है, इसको छील लेना है। तो छीलने से पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से धो लिया है, और अब मैं एक पीलर की सहायता से इसका छिलका उतार लूँगी। आप चाहें तो किसी चाकू की सहायता से भी उतार सकते हैं। और यहाँ पे एक बर्तन में मैंने ले रखा है पानी, ये देखिए, और साथ ही साथ हम इसको छीलते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो आलू है काला नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अपना दूसरा आलू भी छील के तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैंने दूसरा आलू भी छील लिया है और उसी पानी में हम इसको डाल देंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो आपका आलू है काला पड़ जाएगा और इसके जो लच्छे बन के तैयार होंगे ना, वो अच्छे नहीं होंगे, यानी पकौड़े भी हमारे अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। और इस तरह से अपने हाथों की सहायता से हम अच्छे से इसको धो लेंगे, और ये जो गंदा पानी आप देख रहे हैं ना, इसको हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे दोनों आलू को मैंने छील लिया है, और यहाँ पे मैंने एक कद्दूकस लिया है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरह का महीन वाला कद्दूकस आता है ना, वो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास एक कद्दूकस और है, जिसमें एक तो साइड महीन है, यानी कि जो इसके होल हैं छोटे छोटे हैं, और एक साइड में बड़े बड़े होल हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास इस साइज का कद्दूकस हो, यानी बड़े होल वाला कद्दूकस हो, तो वही लीजिए। और चलिए अब हम अपने आलू को कद्दूकस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको लंबा लंबा कद्दूकस कर रही हूँ, और डायरेक्ट पानी में ही हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको लंबा लंबा कद्दूकस करना है, जिससे इसके जो लच्छे हैं एकदम लंबे लंबे निकल के आएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसके लंबे लंबे एकदम लच्छे बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आलू में लंबे लंबे लच्छे निकल रहे हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट पानी में कसने से क्या होगा, जो हमारे लच्छे हैं वो काले नहीं पड़ेंगे, वरना जो आलू है पड़े पड़े काला पड़ जाता है। ये देखिए, कितने लंबे हमारे लच्छे यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए, मैंने दोनों आलूओं को कस लिया है और इसके लच्छे बना के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, कितने प्यारे लच्छे बन के हमारे तैयार हुए। उनके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। और इस तरह से पानी के अंदर कद्दूकस करने से जो इसका स्टार्च होता है ना, वो भी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। और अब हम इस पानी को फेंक देंगे और दो तीन बार अच्छे से धुलकर साफ़ पानी इसके अंदर भर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसके अंदर अच्छे से पानी साफ भर लिया है, और देखिए इसके लच्छे कितने प्यारे और कितने बड़े बने हैं। इसका स्टार्च जब निकल जाता है इसके अंदर से, तो जो हमारे पकौड़े हैं लाल नहीं पड़ते, अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाला है, लगभग आधा चम्मच के करीब। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। नमक डालने से क्या होगा, जो इसके अंदर स्टार्च बचा है वो भी निकल जाएगा, और हमारे पकौड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और जो हमारा आलू है वो भी हल्का नमकीन हो जाएगा। तो इसको हम ढक के रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद फिर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे इन लच्छों को, और अपने हाथों की सहायता से इस तरह से दबाएंगे, जिससे इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद हम इसको रख लेंगे एक बाउल या प्लेट के अंदर। बिल्कुल इसी तरह हमारे जितने भी लच्छे हैं हम उनको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे लच्छों को यहाँ पे निकाल लिया है। और चलिए अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग आधा चम्मच के करीब। और अब मैंने यहाँ पे एक मिर्ची ली है, जिसके जो बीजों को निकाल दिया है और डाल दी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है दो चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। और अब मैंने यहाँ पे लिया है दो चम्मच के करीब मैदा। आलू के अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है और ये मैदा डाला है, इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेंच फ्राई के जैसा आएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक कह लीजिए। और ध्यान रखिएगा, नमक हमने पहले भी आलू के अंदर डाला था, तो हल्का सा जो हमारा आलू है वो नमकीन हो गया है, यानी कि नमक को हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से डालना है। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे।
अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और जो हमारा खाने वाला जो रेगुलर आटा होता है चपाती वाला वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी ये बन जाएगा। इन पकौड़ों के अंदर ना आलू का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपके बच्चों को आपको फ्रेंच फ्राई खाना पसंद है ना तो ये ज़रूर बनाइएगा। और चलिए अब हम इसके पकौड़े भी बना लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आलू हम लेंगे और देखिए इस तरह से हम इसके पकौड़े बना लेना है ना, बहुत ज़्यादा मुट्ठी से नहीं दबाना है, बस हल्के से उठाना है और इसको गोल कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे लच्छे हैं ना एकदम खुल के बाहर आएंगे, यानी लच्छे लच्छे वाला पकौड़ा हमारा बन के तैयार होगा। और अगर आप बहुत हाथों से दबा के इसको लेके जाएंगे यानी दबा के पकौड़ा बनाएंगे तो फिर आपका जो पकौड़ा है एकदम जो इसके लच्छे हैं वो दब जाएंगे, बाहर नहीं निकल के आएंगे। देखिए इस तरह से करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आलू उठाना है और इस तरह से जितना बड़ा पकौड़ा या छोटा पकौड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने पकौड़े यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे दो पकौड़े बना के दिखा दिए हैं, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें इसका पकौड़ा तैयार करना है। और चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तेल मेरा अच्छा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे अपने पकौड़े। और यहाँ पे पकौड़े तलने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाना पसंद करते हो ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट, जब भी आप पकौड़ों को तले, ये वाले पकौड़े नहीं कोई भी पकौड़े आप तले, तो हमेशा गैस मीडियम ही रहनी चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पे पकौड़े तलेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पकौड़े हैं घी या तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और देखिए हमारे पकौड़े, इसके लच्छे आप देख सकते हैं कितने प्यारे से निकल के आए हैं, देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है इसके ऊपर। तो मैंने ये सारे पकौड़े मीडियम फ्लेम पे तले हैं और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और लच्छे आप देख सकते हैं ये देखिए। तो इसी तरह से उलट पुलट के हम इसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे एक बात का हमें और ध्यान रखना है, इन पकौड़ों को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, यानी कि हल्का जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा ना इसके ऊपर, वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे या फिर अपने जो पकौड़े हैं इन्हें निकाल लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा कड़क बन के तैयार हो जाएंगे। और आपने अगर इन्हें हल्का सुनहरा कलर यानी लाइट ब्राउन कलर जैसे ही आया निकाल लिए, तो ये जो पकौड़े हैं आपके ऊपर से क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अपना दूसरा बैच भी यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो इनके तलने का टाइम की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन पकौड़ों को तलते हुए लगभग मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। तो ये लीजिए दूसरा बैच भी हमारा यहाँ तैयार हो गया है, और अभी मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये देखिए बने हैं ना एकदम टेम्पटिंग, मस्त, मुंह में पानी ला देने वाले, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। चलिए खा के भी दिखा रही हूँ मैं आपको एक बार। सच बता रही हूँ, खा के आपको ना मज़ा आ जाएगा। तो आज के पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और रेसिपी देखने के लिए यूट्यूब पर वरदान पकवान को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।